करने वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इस बार कुछ खास बदलाव देखने को मिलेंगे। बता दें कि कांवड़ यात्रा के लिए इस बार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इस पर सिर्फ डाक कांवड़ ही चलेंगी और पिछली बार एक तरफ से अन्य वाहनों के लिए खुला रखा गया था, लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं आया था, इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया था और डाक कांवड़ियों को भी परेशानी हुई थी। इसे देखते हुए इस बार व्यवस्था बदली गई है और इसके तहत सभी पैदल कांवड़िए मेरठ रोड से आएंगे और एक्सप्रेसवे पर 22 से भारी और 27 तारीख से हल्के वाहनों का चलना बंद हो जाएगा। अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का सफर रोज तय करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए, तो खबर केवल और केवल आपके लिए है। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 22 तारीख को बाहरी वाहन और 27 तारीख को हल्के वाहनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसे मौजूद है NH9 पर और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें NH9 की है, जो रास्ता है ये सीधा दिल्ली के लिए जा रहा है। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा की व्यवस्था में कुछ और परिवर्तन किए गए हैं। पिछली बार एक्सप्रेसवे के साथ ही डाक कांवड़ मेरठ रोड से भी आई थी, इस बार सभी डाक कांवड़ सिर्फ एक्सप्रेसवे से ही आएंगी। कुल मिलाकर यातायात अगर बाधित होता है तो जाहिर तौर पर ये दारोमदार जाता है गाजियाबाद के, नहीं खुद ये रणनीति तय की है, खुद ये पूरी तरीके से यातायात व्यवस्था एक खाका तैयार किया है। उसी के तहत कांवड़ यात्रा के लिए इस बार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इस पर सिर्फ डाक कांवड़ ही चलेंगी। पिछली बार एक तरफ से अन्य वाहनों के लिए खुला रखा गया था, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ था कि ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने, डाक कांवड़ियों को भी परेशानी ना हो, इसको देखते हुए इस बार व्यवस्था बदली गई है। इसके तहत सभी पैदल कांवड़िए मेरठ रोड से आएंगे और एक्सप्रेसवे पर बड़ी और 27 से हल्के वाहनों को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि इस बार यातायात बाधित ना हो, उसको लेकर गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा ने तैयारी पूरी कर ली है। और अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का सफर करते हैं, यानी इस NH9 का सफर करते हैं रोजाना, तो ये आप समझ लीजिए कि ये 22 तारीख को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जिसपे बाहरी वाहन नहीं जाएंगे, और 27 तारीख को यहां से हल्के वाहन भी पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। जितेंद्र भाटी, FM न्यूज, गाजी। दिल्ली के संगम विहार इलाके में पानी के छींटे पड़ने पर विवाद हो गया।